हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्टाइलविथ रश्मि में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल बटन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, आज का वीडियो मैं एलोवेरा जेल के ऊपर लेके आई हूं। कैसे 8 यूजेस मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा जेल को आप किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट मेरा तो ये आधा खत्म ही हो गया है, खत्म ही होने वाला है। मैं उसे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत वे में यूज करती हूँ। वो सारे वे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा यूज है, मैं इसे यूज करती हूँ अपने फेस में नाइट क्रीम की तरह। मैं इसे नाइट क्रीम की तरह यूज करती हूँ। आप इसे नाइट क्रीम की तरह लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई नाइट क्रीम है और आप एक अच्छी नाइट क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप एलोवेरा जेल को एज ए नाइट क्रीम लगा सकते हैं। तो यूज नंबर 1 मेरा ये था। यूज नंबर 2 मेरा है दोस्तों हेयर कंडीशनर की तरह। आप अगर बालों में हेयर कंडीशनर लगाते तो आप बाल धोने के बाद में गीले बालों में हेयर कंडीशनर की जगह पे इसे लगा सकते हैं और इसे धुलने की जरूरत नहीं होती है। आप इसे लिव इन कंडीशनर की तरह रख सकते हैं अपने बालों में और ये बहुत अच्छा बालों को मॉइस्चराइज करता है, बहुत अच्छा बाल को साइन देता है। यूज नंबर 3 मेरा दोस्तों है फेस प्राइमर की तरह। आप एलोवेरा जेल को फेस प्राइमर की तरह भी यूज कर सकते हैं। मैं एलोवेरा जेल को फेस प्राइमर की तरह यूज करती हूँ और ये एज ए फेस प्राइमर यूज करते हैं। इसके बाद मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप बहुत देर तक टिकता है और बहुत अच्छा और बहुत साइन देता है। यूज नंबर 4 मेरा फ्रेंड्स है कि आप एलोवेरा जेल को झुर्रियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। आपकी अगर झुर्रियां आए फेस पे तो आप डेली बेस में एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाइए, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा एलोवेरा जेल को आप रेगुलर यूज में अगर लगाते हैं। यूज नंबर 5 मेरा ये है एज ए हीट प्रोटेक्शन, आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं। बालों का हेयर स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग करने से पहले आप हीट प्रोटेक्शन की जगह पे एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बेनिफिट देता है ये। यूज नंबर 6 दोस्तों मेरा ये है, अगर आपकी आंखों के नीचे काले गिरे और आप कोई क्रीम ढूंढ रहे हैं तो आप कोई बॉयस वैसे क्रीम नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप रोज रात को सोते समय एलोवेरा जेल को अपनी आंखों के नीचे हल्का सा लगा के सो जाइए, बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलेगा और आपके आंखों के नीचे सारे काले गिरे चले जाएंगे बहुत ही जल्दी। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। टिप नंबर 7 मेरा दोस्त, अगर आपके फेस पे मुहासे हैं, दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं तो आप एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगा के उन सबको दूर कर सकते हैं। अगर रेगुलर यूज में आप एलोवेरा जेल को लगाते हैं अपने फेस पे झुर्रियों के ऊपर या पिंपल्स के ऊपर जो भी हैं आपके, तो आपके फेस से ये बिल्कुल गायब हो जाएंगे और दाग भी नहीं रहेंगे। अगर रेगुलर आप लगाते हैं तो आपके फेस पे इनके दाग भी नहीं रहेंगे। तो यूज नंबर 7 मेरा ये था। यूज नंबर 8 मेरा ये है कि दोस्तों, अगर आपका सन बर्न हो गया है, फेस आप धूप में जाते हैं, आपका फेस बर्न हो गया, बहुत परेशान है, तो आप एलोवेरा जेल को सनबर्न के लिए सनस्क्रीन क्रीम की तरह वहां पे लगा सकते हैं और वहां पे आपका एकदम ठीक कर देगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है आपको ये। तो दोस्तों, ये थे मेरे एलोवेरा जेल के यूजेस कि आप इसे एलोवेरा जेल को किन किन तरीकों से यूज कर सकते हैं जो आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।